पांडे, आज हम करेंगे इसका पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हमने अपनी पेपर में बहुत से प्रॉब्लम करे थे, इसमें भी हम बहुत से प्रॉब्लम करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो ये हम कर रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल का पार्ट 5। अगर आपने हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द जाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय मिलते रहे। और शेयर करना ना भूलना और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ कह रहा है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ कह रहा है, द एटॉमिसिटी ऑफ K2CR2O7 इज, इसकी एटॉमिसिटी बतानी है, 9 होगी, 11 होगी, 10 होगी, 12 होगी। तो अपना आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 11। देखो जैसे एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है उसमें कितनी कंबाइनिंग है, इसमें 2 कंबाइन है, इसमें भी 2 कंबाइन है, इसमें भी 7 कंबाइन है। मतलब ये क्या है, के क्या है, पोटेशियम में 2 है, ये क्या है, क्लोराइड में 2 है, ओ ऑक्सीजन में है 7। तो इनका प्लस करो तो ये कुछ आएगा 11। तो 11 इसका सही आंसर है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में है, और नाइट्रोजन में कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो अपना आंसर जल्दी बताओ, 1 मोल है, 2.3 मोल है, या हाफ मोल है, या 2 मोल है, तो मतलब 0.5 मोल है। तो अपना आंसर जल्दी बताएं, इसका सही आंसर है 2 मोल। देखो कैसे है, देखो इसको हटाओ, इसका 2 मोल देखो कैसे है। देखो मैंने बताया था आपको कि मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। तो हम उसमें पहले फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि तो मोल है हमारा कितना, W/m। W क्या है, हमें जो गिवन है, हमें गिवन ये है, और m क्या है, मॉलिकुलर मास, जो हमें पता होता है। देखो 28 बाय नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का मास होता है कुछ 14, और ये हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन से बताते हैं हम। तो इसको 14 है इसका, तो 40 लिख देंगे, इसको काटेंगे तो आएगा 2। तो इसका 2 मोल बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ कह रहा है, द मॉलिकुलर मास इफ एक्स ऑफ एक्स, कोई मॉलिकुलर मास है एक्स, उसका आंसर है ये, मतलब कोई मॉलिकुलर मास है वो है 106। तो वो किसी चीज से तो आया होगा, वो आया है एक्स से, तो हमें बताना है वो एक्स क्या है, ठीक है। ये है एक्स, इससे आया है 106, या इससे आया है, या इससे आया है, इससे आया है। तो आपको पहले करने के लिए इन सबको निकालना पड़ेगा। आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको निकालने के लिए इसको पॉज करके कर सकते हैं। तो लेकिन हम ऐसे आगे, तो देखो इसका सही आंसर वैसे ये है। देखो हम शुरू से करते हैं, देखो CaCO3, Ca होता है कैल्शियम, कैल्शियम होता है 40, इसका 40 मास होता है, और सी होता है, सी ये बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। सी होता है कार्बन, कार्बन होता है 12, और ये ओ होता है 16, ओ होता है 32 × 3, तो ये कुछ होता है, नहीं ओ होता है 48। तो आप इनको प्लस करोगे तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। हाँ देखो ऐसे भी निकाल देते हैं, 2+8 कितना होता है 0, तो आंसर लास्ट में 0 आएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ का भी ओ बड़ा है, यहाँ का भी ओ बड़ा है, ठीक है। तो SO3, सल्फर कितना होता है, सल्फर होता है 32 होता है सल्फर, प्लस 48, ये भी नहीं होगा। देखो 8, 2, 0 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। तो इन दोनों ऑप्शन में देखना है, तो हम इन दोनों ऑप्शन को भी देखते हैं। तो देखो पहले हम लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं, फिर देखते हैं थर्ड वाले को। लास्ट वाला क्या है, NaCl, Na होता है सोडियम, तो सोडियम का कुछ होता है कुछ कितना, हाँ 23 होता है सोडियम का, प्लस ये होता है क्लोरीन। देखो क्लोरीन का कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17,
तो इसका वो कितना होता है, रुको, हाँ इसका होता है 35 कुछ होता है, ठीक है 35.5 होता है, लेकिन ये 0.5 में आ जाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और Na2CO3 तो 23 × 2 तो ये आता है कुछ 46, Na2 होता है 46 प्लस सी होता है 12 प्लस O3 48, तो देखो ये होता है कुछ छः, यहाँ पे 6 आ गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 106 आ गया इसका 106 आंसर। तो ये मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे भी बहुत से एग्जांपल लेके कर सकते हैं अगर आपको, वरना आप हमारी ये इतनी सारी वीडियो हम डाल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और ये बताना है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ मोल्स इन 16.0, हाँ इसमें बताना है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं, ठीक है तो ये बताना है। तो अपना आंसर जल्दी बता, ए बी सी डी, मैं बताना है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है तो इसका सही आंसर है देखो डी। कैसे, देखो पहले हम निकालते मोल्स, इसका मोल कैसे आएगा, अभी मैंने बताया था W बाय M, ठीक है हम W में क्या लिखेंगे 16 और M में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है O2, तो O2 होता है ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 = 32, यहाँ पे 32 आ जाएगा तो ये आएगा कुछ 0.5, ठीक है यहाँ पे आएगा कुछ 0.5, तो हाँ तो 0.5 में से हम माइनस करेंगे एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर होता है कुछ इतना 10^23, तो आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इतना आएगा, यहाँ पे एक और वन आएगा, ठीक है तो 0.011 × 10^23 ये आएगा, ठीक है इसका आंसर ये यहाँ पे वो है, ठीक है ये ऊपर को है, ये ऊपर को है, ये जैसे ये है वैसे ये है, ठीक है तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कह रहा है ये, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन इतना KNO3, ये थ्री छोटा है, थ्री छोटा है, ठीक है सबस्क्रिप्ट में है ये, तो फाइंड द मास, तो अब मास बताइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का KNO3 में जो कि 1 kg है, 1 kg नहीं है, 1 kg कंटेंट है उसमें, ठीक है तो इसका आंसर सही है बिल्कुल ये सी वाला। देखो कैसे करते हैं, तो देखो O3 यहाँ पे हमें O3 मास हमें ऑक्सीजन का इसमें पता है कितना है, O3 होता है 48, तो मास ऑफ ऑक्सीजन O2 इन KNO3 ये लिख देना आप, इसे बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट लिखना आप एग्जाम में, अगर नंबर ज़्यादा लाने तो पोटेशियम नाइट्रेट लिखना और बगल में ये लिख देना 48, तो ये लिखना और फिर क्या लिखना मास ऑफ लिखना मास ऑफ KNO3 इजिकल टू KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट लिखना, ठीक है तो इसका मास कितना है, ये कितना है 39, मतलब ये है पोटेशियम नाइट्रोजन प्लस ये कितना है कुछ ये 14 और ये 48, तो इसका बताओ कितना आएगा, तो इसका आएगा कुछ 101, इसका है कुछ 101, तो आपको करना क्या है बस, हाँ तो ये आएगा 101, तो फिर आपको करना है जो 101 है, ठीक है 101 को इससे करना है 48, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 1000, अभी बता तो 1000 कैसे आए हम, ये केजी में दे रखा है तो हम इसको कर लेंगे ग्राम में, तो ग्राम में करने में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 kg = 1000 ग्राम, बस ये यहाँ पे आ गया 1000 और यहाँ पे आ गया 48 था हमारा ऑक्सीजन और टोटल था हमारे 101, तो मतलब ये हमारे एक तरह का परसेंटेज बन गया गिवन बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई 1000 मतलब, ठीक है तो अगर आप इसको काटोगे पीटोगे तो कुछ ही आएगा, तो देखो इसको आप डिवाइड करोगे तो 4.5 नहीं ये नहीं
0.452 कुछ करके आएगा, 7572 कुछ करके आएगा इंटू 1000. तो आप इसको करोगे तो तीन ये आ जाएगा 4752 कुछ ये आ जाएगा, तो मतलब ये आएगा. तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे जल्द से जल्द लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करना ना भूल लीजिए आपको कैसी वीडियो, आपको वीडियो कैसी है, पसंद आई कि नहीं आई. और शेयर करना ना भूल लीजिए आपके फ्रेंड्स भी सीख सके. और ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप संभव पा सकें. ये सब्सक्राइब, पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबाना, ठीक है, बटन दबाना और इसमें बेल आइकन होगा उसको भी दबा देना.